हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मूमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की सब्जी। तो काले चने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने हरी मिर्ची, एक हरी मिर्ची, ये मैंने हरी मिर्ची, एक हरी मिर्ची काट ली लंबी लंबी, और ये मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली, और एक टमाटर काट लिया मैंने बारीक बारीक, और ये मैंने लहसुन ले लिया, और गरम मसाले में मैंने एक जावित्री का फूल लिया है, चार लौंग और चार पांच काली मिर्ची। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक। तो यहां मैंने लहसुन कूट दिया है, और अब मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, एक चम्मच फुल भर के लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच फुल भर के धनिया पाउडर। अब इसमें पानी डालूंगी मैं। मसाला पहले भिगोने से ये फूल जाता है अच्छे से। और ये चने मैंने सुबह भिगोए थे, और मैंने 8-10 सीटी लगा ली कुकर में, और इनको मैंने दरदरा कूट लिया है। ये देखिए, आधे इसमें साबुत है और आधे कूटे हुए हैं। ये चने आप सिल बट्टे पे भी कूट सकते हो, और थैली में डाल के और उससे भी कूट सकते हो ताकि उछले नहीं। तो गैस को कर दिया है मैंने ऑन, और अब इसमें मैं तेल डालूंगी। तो मैंने 4 चम्मच फुल भर के तेल डाल दिया है। अभी गर्म नहीं हुआ तेल, तो अब जीरा, ये तेल गर्म हो चुका है, मैंने जीरा डाल दिया सारा, और ये सारे गरम मसाले डाल दिए। और अब इसमें मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्ची। अब इनको ब्राउन होने तक अच्छे से भुनेंगे प्याज। तो ये देखिए, प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने मसाले भिगो के रखे हैं। ये मसाला जब तक पकाना है तब तक ये तेल नहीं छोड़ दे। तो ये देखिए, अच्छे से मसाला पक चुका है, अब तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर की ग्रेवी।
अब इसको भी अच्छे से पकाएंगे। तो ये भी अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी चने जो मैंने कूट के रखे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें पकने के लिए। आप चपाती पूड़ी या पराठे के साथ खा रहे हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर बाजरी मक्के की रोटी हो तो आप इसमें थोड़ा सा झोल भी कर सकते हैं। मैं ये सब्जी ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो मेरी सब्जी बनके तैयार है, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके बाय।